चंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। यूं तो हमारे देश में सेना की शक्ति आए दिन बढ़ती रहती है, लेकिन आज हम आपके लिए एक बिल्कुल अलग तस्वीर लाए हैं। ये तस्वीरें हैं युद्ध भूमि की, वो भी मथुरा से। जल थल नभ हर जगह भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन देखिए। आज देखिए कि पानी के अंदर से टैंक जब हमला करते हैं तो दुश्मनों का कैसे सफाया होता है। आसमानी जंग, पानी में जंग और जमी पर जंग भी। हर तस्वीर नेशनल वॉइस लाया है आपके लिए, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। दो तस्वीरें जो आपको भारतीय सेना की पूरी तो नहीं लेकिन सबसे नई क्षमताओं के बारे में बता रही हैं। एक तरफ ऑपरेशन मेघ प्रहार की तस्वीरें तो दूसरी तरफ राजस्थान के थार मरुस्थल में ऑपरेशन शत्रुजीत। ऑपरेशन मेघ प्रहार जहां पानी से होने वाली रुकावटों को दूर करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन शत्रुजीत भीषण गर्मी के दौरान आने वाली मुसीबतों को दूर करने के लिए है, जहां तापमान 50 डिग्री के पार है। यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में भारत तैयार है किसी भी चुनौती के लिए। यानी कहा जा सकता है कि जल थल और आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। यानी कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पहले ऑपरेशन शत्रुजीत और अब ऑपरेशन मेघ प्रहार। कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आज नेशनल वॉइस पर, जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। पहले ऑपरेशन शत्रुजीत और अब ऑपरेशन मेघ प्रहार। यानी कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आज आपको कई तस्वीरें हम ऐसी दिखाने की कोशिश करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। दो तस्वीरें जो आपको भारतीय सेना की पूरी तो नहीं लेकिन सबसे नई क्षमताओं के बारे में बता रही हैं। एक तरफ ऑपरेशन मेघ प्रहार की तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान के थार मरुस्थल में ऑपरेशन शत्रुजीत की। ऑपरेशन मेघ प्रहार जहां पानी से होने वाली रुकावटों को दूर करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन शत्रुजीत भीषण गर्मी के दौरान आने वाली मुसीबतों को दूर करने के लिए है, जहां तापमान 50 डिग्री के पार है। यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में भारत तैयार है किसी भी चुनौती के लिए। यानी कहा जा सकता है कि जल थल और आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। दरअसल कई बार ऐसा हुआ है कि दो देशों के बीच युद्ध के दौरान नदी किसी एक देश के लिए रुकावट का कारण बन गई। भारत के साथ भी ऐसा 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था और उसी के बाद भारतीय सेना इस रुकावट को पार करने में लगी थी और आखिरकार ऑपरेशन मेघ प्रहार में उस सफल प्रयास की झलक दिखाई दी है। तो देखिए आप भी ऑपरेशन मेघ प्रहार। जल थल और नभ अब कोई नहीं जो भारत के सामने युद्ध भूमि में टिक सके। कोई नहीं जो हमारी सेना से बचकर कहीं भी छिप सके।
कोई नहीं जो इस रणनीति का मुंह तोड़ जवाब दे सके। दुश्मन देशों ने गुपचुप हमलों के जरिए हमारे देश के कई शहरों पर आतंकी हमलों को कई बार अंजाम दिया है, और इसलिए दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सरकार ने भारतीय सेना को दुश्मन देश को सबक सिखाने का आदेश दिया है। इसीलिए सेना ने दुश्मन देश की दहलीज में घुसकर जोरदार हमला करने का हर संभव तरीका खोज निकाला है। ये तस्वीरें या ये कहें कि ये परिदृश्य है भारतीय सेना के युद्धाभ्यास का, जिसका नाम है मेघ प्रहार, जो मथुरा में यमुना नदी के किनारों पर किया गया। देश में पहली दफा हुए इस तरह के युद्धाभ्यास की तस्वीरें आपको निश्चित तौर पर चौंका देंगी। तो आपने सामने डेमोंस्ट्रेशन देखा, इसको हम युद्धाभ्यास के हिसाब से बोलते हैं अपोज रिवर क्रॉसिंग। दुश्मन के इलाके में 40 से 50 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आशंका है कि हम लोग को ऐसी नदी पार करने का मौका मिलेगा। इस डेमो के अंदर जो आले इस्तेमाल किए गए थे, वो ए व्हीकल्स, वो ड्राफ्ट, वो ब्रिजिंग इक्विपमेंट जो भी था, वो सब आपने देखा और अपने कैमरा में कैच किया है। ये जो मिनी ट्रेनिंग एरिया है मथुरा कैंट का, ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए यहाँ पे बीएमपी के साथ फ्लोटेशन करने का, और युद्ध अभ्यास जो आपके सामने सफल हुआ है उसको प्रैक्टिस करने का, रिहर्स करने का और अंजाम देने का। मैं आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी इंडियन आर्मी, हमारी मैकेनाइज फोर्सेज दुश्मन के इलाके में घुस के जो भी टास्क हमारे सामने आएगा उसको हम बखूबी निभाएंगे और पूरा करेंगे। जय हिंद। इस युद्धाभ्यास को सेना की मथुरा स्थित स्ट्राइक कोर 1 ने किया। इस अभ्यास में सेना की आर्म्ड ब्रिगेड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास में दिखाया गया कि किस तरह यमुना नदी को सैनिक पार करते हैं और दुश्मन की जमीन पर धावा बोलकर कब्जा करते हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन से कमांडो ने सबसे पहले दुश्मन देश पर धावा बोला। उसके बाद बीएमपी के जरिए सैनिक नदी पार करते हैं और उसके बाद दुश्मन की जमीन पर कब्जा जमाए रखने के लिए टैंकों को कैसे नदी पार कराई जाती है उसकी भी सेना ने प्रैक्टिस की। ये पहली बार है कि सेना ने देश के किसी शहर में नदी के किनारे इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। अभी तक इस तरह की एम्फीवियन एक्सरसाइज केवल सरहदों और बॉर्डर पर की जाती थी, लेकिन मेघ प्रहार के लिए सेना ने यमुना नदी के पार वाली जमीन को चुना और दुश्मन की जमीन भी बनाई, जिसे लाल देश का नाम दिया गया और अपनी सेना को नीला देश। आईसीबीज पानी में उतरी हैं। अगर कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है उसमें, तो हमारा ड्राइवर ट्रेंड है उस इक्विपमेंट में जो क्रू है उसको बचाने के लिए, अंडर वाटर जाके रिकवरी करने के लिए, और जो इक्विपमेंट है उसको बाहर हुक लगा के बाहर निकालने के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि इक्विपमेंट अंदर पानी में फंस जाता है या ओवरटर्न है, उसको टर्न करना पड़ता है, उसमें हुक वेल्ड करना पड़ता है। तो ये इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं, ये वेल्डिंग और कटिंग के इस्तेमाल में काम में आता है। ये एंटायर ऑपरेशन ये डाइवर अंडर वाटर कर सकता है। इसकी इंड्योरेंस इस टैंक के हिसाब से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 25 मिनट्स है, जो ये पानी के अंदर रह के अपना काम को अंजाम दे सकता है। अपनी तरफ की जमीन को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया। सबसे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए रेकी वॉरियर्स को लाल देश भेजा गया। रेकी वॉरियर्स 24 से 48 घंटों तक किसी भी जमीन पर रहकर अपना ठिकाना बनाने में माहिर होते हैं। दरअसल ये रेकी वॉरियर्स सेना की स्पेशल फोर्स के कमांडो होते हैं। सबसे पहले ये कमांडो दुश्मन की सेना की बंकर्स को तहस नहस कर देते हैं, दुश्मन के अहम और सामरिक महत्व के ठिकाने को तहस नहस भी ये तुरंत कर देते हैं, ताकि दुश्मन को शॉक इफेक्ट दे सके। लेकिन कमांडो किसी भी जगह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, क्योंकि दुश्मन अपनी रीइन्फोर्समेंट भेज सकता है।
कमांडो एक्शन को सपोर्ट देने के लिए बीएमपी में भारी तादाद में सैनिकों को भेजा जाता है, क्योंकि टैंक में सैनिक नहीं बैठ पाते, इसलिए बीएमपी ये काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। बीएमपी रशियन औजार है, इसका पूरा नाम है बोईवया मशीना पेखोटे। दिखने में टैंक की तरह होती है, इसमें 10 से 12 जवान आराम से अपने रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार के साथ बैठ सकते हैं। ये मेघ प्रहार जैसी एम्फीबियन एक्सरसाइज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नदी नालों को आसानी से पार कर लेती है। क्रॉस रिवर एक्सरसाइज के लिए ये सेना के लिए अचूक अस्त्र है। बीएमपी नदी में बेहद ही गुपचुप तरीके से दुश्मन की जमीन पर घुस जाती है और फिर सब तबाह कर देती है। कभी कभी तो ये पनडुब्बी की तरह बिल्कुल पानी में नीचे नीचे भी तैरती है। बीएमपी के बाद टैंक का ऑपरेशन होता है, क्योंकि दुश्मन की दहलीज में लंबे समय तक टिके रहना है तो टैंक सबसे कारगर हथियार है। टैंक की धमक भर से ही दुश्मन दूर दूर तक नहीं फटकता है। एक्सरसाइज में सेना के T-90 टैंक ने हिस्सा लिया। टैंकों को नदी पार कराने के लिए खास तरह की राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। बताते चलें कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना पाकिस्तान की इच्छोगिल कैनाल को पार कर दुश्मन की जमीन पर पहुंच गई थी, लेकिन उस वक्त इस नहर को टैंक नहीं पार कर पाए थे, इसलिए सेना ज्यादा समय तक वहां जम नहीं पाई और सैनिकों को वापस लौटना पड़ा था। यही वजह है कि इस तरह की एक्सरसाइज में इस बात की प्रैक्टिस की जाती है कि जरूरत पड़ने पर हमारी सेना के टैंक और बीएमपी किसी भी नदी नाले को आसानी से पार कर सके। इस एक्सरसाइज के लिए सेना के हिसार स्थित आर्म्ड ब्रिगेड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को टैंक और बीएमपी मशीन इस्तेमाल की गई। इस एक्सरसाइज में सेना के सबसे घातक स्ट्राइक कोर 1 ने भी हिस्सा लिया। सेना की स्ट्राइक कोर ही युद्ध के समय में दुश्मन की जमीन पर हमला बोलती है। ये रिजर्व फोर्स की तरह इस्तेमाल की जाती है, बाकी कोर देश की सरहदों की रक्षा करती है। भारतीय सेना की 3 स्ट्राइक कोर है, मथुरा स्थित कोर 1, अंबाला स्थित कोर 2 और भोपाल स्थित कोर 22। चौथी माउंटेन स्ट्राइक कोर बंगाल के पानागढ़ में तैयार हो रही है। युद्धाभ्यास के बाद सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी मुश्किल और चुनौतियों से लड़ने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। और हो भी क्यों ना, ये जयकारे भी तो यही बता रहे हैं, जवानों के चेहरे पर खुशी भी यही बता रही है, ये लाल जमीन दुश्मन की थी और यहाँ अब आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ बीएमपी, T-90 टैंक और हमारे जवान तबाह कर चुके हैं। और ऐसा ही चुनौतीपूर्ण वक्त अगर कभी युद्ध भूमि में आया तो तस्वीर हूबहू ऐसी ही होगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कि आखिर क्यों पड़ी इस ऑपरेशन की जरूरत, क्या कहा जवानों ने इस सफल ऑपरेशन के बाद, और भारत अपनी सैन्य शक्ति लगातार क्यों बढ़ा रहा है, ये सब ब्रेक के बाद। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्यों जरूरत पड़ी इस तरह के ऑपरेशन की और आने वाले समय में किस तरह फायदेमंद हो सकती हैं ये सारी चीजें वो बताएंगे आपको, साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने क्या कहा इस सफल ऑपरेशन आयोजन के बारे में वो भी सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अगर लड़ाई के दौरान रास्ते में नदी आ जाए तो क्या भारतीय सेना के बढ़ते कदम रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसी की क्षमताओं का प्रदर्शन मथुरा में सेना की स्ट्राइक कोर 1 ने यमुना नदी के किनारे किया।
मेक प्रहार कोड नामक इस अभ्यास की अगुवाई सेना की बख्तरबंद डिवीजन ने की, जिसमें अलग अलग तरह के उपकरण, कमांडरों की नवाचारिता, संयुक्त प्रयास, पेशेवर नजरिए और दूर संचार विभाग ने दिखाया कि युद्ध होने पर कैसे दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। आपने देखा होगा इसके पीछे ऑक्सीजन टैंक लगा हुआ है, ये अंडर वाटर जाएगा, ये स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट है, अंडर वाटर ये ब्रीथ कर सकता है, इसकी एंड्योरेंस ऑलमोस्ट आधा घंटा है, टैंक के साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये है हमारे डीसी वेल्डिंग प्लांट, जिसके हेल्प के साथ ये अंदर जाके वेल्डिंग वगैरह कर सकते हैं। इसका मेन जो इसका एम है, उसको जाके जो क्रू अंदर है उसको सेव करना और इक्विपमेंट को बाहर। मेक प्रहार अभ्यास से भारतीय सेना के पास मौजूद अति आधुनिक टैंक T-90 और BMP-2 ने नदी में मौजूद मुश्किलों से मुश्किल बाधा को पार किया। ये भी देखा गया कि इस अभ्यास में किसी बाधा को पार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इस अभ्यास के दौरान स्ट्राइक कोर 1 की युद्ध की तैयारी और प्रभावशीलता का प्रदर्शन संदेह से परे साबित हुआ। एरिया सिक्योर कर लिया है, ब्रिज है टाइप से बना लिया है, अभी पीछे से हमारे टैंक्स आएंगे, उस एरिया को जो सिक्योर हो चुका है, जो मैग्नाइज सिक्योर करा, अभी जाके उसके आगे और दुश्मन की तरफ जाके उसको तहस नहस। तो कैसे अंदेशा लगा यहाँ पे कुछ मतलब कितने लोगों का अब तक? उससे पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा तो रेकी ट्रूप्स गए थे, हेलीकॉप्टर से गए थे, रेकी ट्रूप्स गिराए थे, उन्होंने बताया था कि कितने दुश्मन है, दुश्मन के कितने बंकर हैं, कहाँ दुश्मन है, और उसी के बाद रेकी हुई और फिर हमारा अटैक प्लान बना। इस प्रदर्शन को स्ट्राइकर कोर 1 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान के अलावा सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी देखा। मीडिया के साथ बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने कहा कि इस अभ्यास से युद्ध लड़ने के सभी पहलुओं के बारे में स्ट्राइक कोर 1 के जाबाजों को परखा गया है और इसमें कोई कमी नहीं दिखी। इस अभ्यास ने दिखाया कि किस तरह सेना की स्ट्राइक कोर दुश्मन पर धावा बोलकर उसको पल भर में बर्बाद कर देगी। सेना का मानना है कि मेघ प्रहार युद्धाभ्यास सेना के आधुनिकतम T-90 टैंक BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के द्वारा किसी बड़ी उफनती नदी के जैसे कठिनतम अवरोधकों को भी बेखटके पार कर दुश्मनों को कड़े से कड़ा सबक सिखाने का मादा रखती है। यानी कुल मिलाकर भारत ने यह संदेश अपने दुश्मनों को दे दिया है कि दुश्मन होशियार, भारत है तैयार। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। कभी तेजस, कभी राफेल, कभी MI हेलीकॉप्टर्स और कभी ये शानदार ऑपरेशन, आखिर क्यों भारत खुद को लगातार पिछले कुछ सालों में सैन्य नजरिए से ताकतवर करता नजर आ रहा है? क्या पड़ोसियों को कड़ा संदेश देने का मकसद है या फिर एशिया में बादशाहत कायम करना है? सवाल कई हैं, जवाब जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। भारत अपनी सैन्य शक्ति लगातार बढ़ा रहा है, इस बात में कोई दोहराय नहीं। भारत ने रक्षा सौदों व उत्पादन में तेजी लाते हुए चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भविष्य की योजनाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया है। एक ओर भारत ने स्वदेशी हल्की मल्टी रोल कॉम्बैट विमान तेजस को वायुसेना में शामिल कर लिया है और 2026 तक 120 तेजस विमान वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर चौथी पीढ़ी के सबसे घातक विमान सुखोई SU-30 MKI को भी उन्नत कर सुपर सुखोई में बदलने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्नत उड़ान प्रणाली के साथ साथ ये एशिया का श्रेष्ठतम विमान होगा। ब्रह्मोस मिसाइल से युक्त सुपर सुखोई भारत की हवाई सीमा में रहते हुए 300 किलोमीटर तक दुश्मन पर तीव्रता से बचने का मौका दिए बिना अचूक प्रहार कर सकता है। इसके साथ ही रूस और भारत के बीच रुके हुए रक्षा संबंधों में तेजी आने के आसार हैं। रूस के भारतीय पायलटों को पांचवी पीढ़ी के युद्धक विमान FGFA को हरी झंडी दिखाने के साथ ही भारत द्वारा विमान की क्षमताओं के आकलन का रास्ता साफ हो गया है, जिसे दोनों देशों ने मिलकर विकसित करने की सहमति भी जताई है। क्षमताओं के आकलन के बाद इसे भारतीय जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा और 2022 के बाद ये विमान भारत को मिल जाएगा। भारत ऐसे 127 पांचवी पीढ़ी के विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना पर विचार भी कर रहा है।
दुश्मन के हवाई हमलों को हवा में ही मार गिराकर अपनी सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त करने के लिए भारत रूस से लंबी दूरी के 12 S-400 एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणालियां खरीदने की तैयारी में है, जिस पर शीघ्र ही फैसला लिया जा सकता है। यह दुनिया की दरअसल सर्वोत्तम मिसाइल प्रणाली है, जो अत्याधुनिक रडार से युक्त है और 400 किलोमीटर दूरी तक किसी भी विमान अथवा बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकती है। आने वाले समय में भारत ऐसे 4 विमान खरीद सकता है जो 2303 किलोमीटर की अधिकतम गति से 6800 किलोमीटर की रेंज तक प्रहार कर सकते हैं, जिसकी सर्विस सीलिंग 43600 फुट है और 24000 किलो तक वो हथियार ले जा सकता है। 80 MI हेलीकॉप्टर व 6 IL-76 विमान रूस से खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें इजराइल निर्मित फॉल्कन राडार लगातार आवाकश रेडर युक्त हवाई निगरानी विमान बनाया जा सकता है। 63 MiG-29 विमानों को भी उन्नत बनाया जा रहा है। फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने पर भी निर्णय आने वाले समय में हो सकता है। भारत 1000 अत्याधुनिक T-90S टैंक, जो कि आणविक, जैविक और रासायनिक युद्धों में भी हमला करने में सक्षम है, और 200 KA के 226 हेलीकॉप्टर रूस के सहयोग से शीघ्र ही भारत में ही बनाए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में कोई युद्ध या जंग होती है तो भारत सिर्फ जल या थल में नहीं बल्कि नभ में भी अपने आप को पूरी तरह से सशक्त करने की तैयारी में जुट चुका है, और ये सारी तस्वीरें और जानकारियां उसका एक उदाहरण है। रक्षा तैयारियों में ये तेजी, समग्र विकास और विस्तार भारत को एक ओर अपने पड़ोसियों के सामने और मजबूती से खड़ा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भारत को क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक महाशक्ति बनाने के द्वार भी खोलेगी, और मेक इन इंडिया नीति के तहत भारत मजबूत और सुरक्षित आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। और जाते जाते ये गीत सुनिए जरा, देश के जवानों का हौसला दिखाने और बढ़ाने के लिए और इस ऑपरेशन की सफलता के लिहाज से भी ये गीत मौजूद है।